पे नहीं ऐसे करते हैं, दरमियान से भी करते हैं, दरमियान में लगा रहे हैं। नहीं लगा, मैं देख रहा हूँ किस टाइम। अब ये चमचा रख दे कि नहीं रखना अभी तक? नहीं अभी नहीं रखना। क्यों? जब तक आंडी तैयार नहीं होगी उस तक नहीं रखना। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम इवर जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैर खरीत से हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी बिल्कुल खैर खरीत से होंगे। तो वीवर आज जुमा मुबारक है, तो आप सबको जी मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आज हम बनाएंगे जी आलू बैंगन, तो इसकी आपके साथ जी रेसिपी भी शेयर करेंगे और साथ जी बाकी की रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं यहाँ पर जी छील रही हूँ बैंगन और बाजी आलू। तो ये हारिस लेके आया है जी आलू। हाँ जी आलू कम थे और ये साथ आ गई है जलेबियाँ, ये हस्बैंड लेके आए हैं। तो हारिस ऊपर दे रहे आया, क्या कह रहे बेटा पिछड़ा दूंगा। ठीक है, हस्बैंड भी आ गए हैं। कब से मैं आपका वेट कर रही हूँ, आज सलाम दुआ बोल ले पहले। मूड नहीं बनाना, मूड नहीं बनाना। एक मिनट है जरा, सारा कर लेने हैं। ये जी इरमा को लेके आए हैं कॉलेज से। अभी किधर लेके आए हो? हाँ 3:30 बजे लेके आए। अच्छा अभी तो आलू लेके आए हो, तो बंद थी जुम्मे की वजह से। अच्छा पता अच्छा। नहीं आपको सुबह बता देते ना आप। बाजी ने बताना तो मैं घर होती हूँ। तो सब ने जुम्मा भी पढ़ लिया, मैंने नमाज पढ़ लिया है। ये जलेबियाँ आ गई हैं, तो इससे भूख खत्म करे सबको लगी हुई है थोड़ी थोड़ी भूख, तो फिर हंडिया बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, मैं खैर से हूँ अल्लाह के फजल से, आप भी ठीक होंगे। आज मैं बेगम साहिबा को सिखाऊंगा कि हांडी किस तरह बनाते हैं। आज बैंगन आलू बनाएंगे हम जी। वो कहते हैं जी आपका आपकी हंडिया में नमक भी नहीं होता, मिर्च भी नहीं होती और ना कोई खुशबू होती है, इनको हमारी हंडिया पसंद नहीं आती। आज इसमें नहीं बनानी, बड़े देखते में बनाना। देखते में इतने है ही नहीं आलू, प्याज और आलू। प्याज और बैंगन, बैंगन 2 किलो लेके आया हूँ। बाजी को सारे नहीं बनाने क्यों? जलेबियाँ जी स्टार्ट कर दी, बच्चों को दुआ लेंगे। आलू जी कम थे ये, और अब और लेके आए हस्बैंड, तो उनको बाजी धोने लगी है। तो मैं जी ये ट्रे लेके जा रही हूँ, इसके अंदर जी जलेबियाँ रखनी है। इसको भी बाजी पानी से धो दें, ये थोड़ा ख़राब लग रहा है। अभी बाहर से आता है पानी तो पूछ लेता है ना आगे। मैं अपनी वो वीडियो बना रही थी। यही बात है ना, आप लोग काम सही तरीके से नहीं करते। क्यों नहीं सही तरीके से करते? आप जलेबियाँ निकालें। आज बेगम साहब बहुत काम कर रही हैं। पहले मैंने कैमरा पकड़ा होता है ना, इनको आसान लगता है। आज इनको बोला मैंने कि आज तुमने बनानी है, इनको जी आसान लगता है कि बैठ जाओ, मैं वीडियो बना। आज आपने बताना है कि कैसे हांडी बनाती हैं ये। आज काम आपका है। हां जी, चलिए मैं 2-3 चीजें ले आती हूं। कौन सी 2-3 चीजें? मसालों वाले डिब्बे हैं। हां जी वो भी लेना आप, गरम मसाले वगैरह सारा, और बड़ा देश का भी लें आप, उसमें सही बनेगा। हां जी उसमें सही बनेगा, इसमें नहीं सही बनता। अच्छा। देचकी में आपसे गन आलू, आलू अभी बाजी और छील, आलू और छील रही है, और मिलाना है जी। प्याज बड़े प्याज बहुत आई है। अच्छा। अभी इसको प्याज को ना ब्राउन करो पहले, प्याज डालें आप इसमें। ये देखिए जी बेगम साहब ने प्याज डाल दिया, घी भी पहले गर्म किया इन्होंने, पहले बोला था घी पहले डालें। आपने मुझे बोला है प्याज डालें। अच्छा इनके कह रहे हैं मैंने यूज़ पहले प्याज डालें। घी भी डालें आप ठीक है। पहले घी को गर्म करते हैं फिर प्याज डालते हैं उसमें। कितनी दफा तो आपको बताया, यही तो आप तरीका दी ना, जो काम है आपने अपने तरीके से करने। ये जी आज हंडिया बनाने सिखा, देखें पहले घी को गर्म करते हैं और उसके बाद फिर प्याज डालते हैं इसमें, ठीक है ना? ओके जी। हाँ जी ओके जी। आप मेरे सामने सेटेंगे तो कोई रोशनी आएगी नहीं। अच्छी अच्छी, आपको बहुत रोशनी चाहिए आपके मुंह को ना। मेरे मुंह को चाहिए ना, फिर ब्लैक नजर आएगा। नहीं नजर आता ब्लैक, कुछ वाइटनेस आएगी। अभी अभी तो ये अपने पास वो चमचा रखने लगे थे मुझे सिखाने के लिए। वो भी मैं छड़ी लेके आता हूँ, छड़ी के साथ सिखाऊंगा मैं।
प्याज ब्राउन हो गए थे जी, तो इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और साथ हस्बैंड मुझे बता रहे हैं, ये देखिए जी चम्मच पकड़ के बैठे हुए हैं, और ये भी रद्दी की तो ये सर में पड़ेगा। ओए होए होए, ये देखिए जी आज मुझे ये सिखा रहे हैं चमचे के साथ। अच्छा, अभी इसमें डालो टमाटर। टमाटर डाल दिए, फिर इतने मसाले डाल के और बड़ी मजेदार बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अभी आएगी वो। आई मेरे खैर नहीं है जी, लीवर दाल मेरे खैर नहीं है। देखे उल्टा मारा वैसे ठंडिया के मामले में कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है ना, खाना होता है और कहते हैं के मामले में कंप्रोमाइज नहीं है और खाने के बाद नीचे जी कमेंट्स आए हुए थे कि आप कुकिंग का इस्तेमाल किया करें घी पर। नहीं, हम घी से अच्छी बनती है, तेल से नहीं बनती है। तेल जो होता है उससे अच्छी नहीं छाता है, मैं कुकिंग ऑयल नहीं इस्तेमाल करता। हमारी जी सिस्टर है और जिंदगी, तो उनके चैनल का नाम है, तो वो जी मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं और मुझे बड़ा ज़्यादा भी वो गाइड भी करती हैं। तो वो कह रही थी हमारी सिस्टर के आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसमें चीज़ें खाता है। पहले जी हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया करते थे, ये कहते हैं कि मुझे स्मेल आती है। अच्छा, अभी इसमें मसाले डालो सारे। मसाले तो ये मैंने जी बस मसाले जी रखे हैं, ये 2 चम्मच नमक है और 1.5 चम्मच सुर्ख मिर्च है और बड़ी चम्मच जो है वो हल्दी है और छोटा चम्मच जीरा है। नमक तो आप हसबे जायका डाल सकते हैं। हाँ, वो अपनी जरूरत के मुताबिक भी हम डाल सकते हैं। इनको सबको डाल डाल दीजिए, मिक्स करो इसके साथ। पे नहीं ऐसे करते हैं, दरमियान से भी करते हैं, दरमियान में लगा रहे नहीं लगा, मैं देख रहा हूँ किस टाइम मुझे पता चल रहा है ना कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। मेरे बच्चे भी जी भी साइड में बैठे हैं तो हंस रहे हैं, ये समय सरकार में ये बड़ी है जो जो बच्चा आ रहा है खत्म करो इनको। हाला महाराज जी अच्छी तरह, हम इंशाल्लाह हमारा अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है और बड़ी जी मजेदार सी और प्यारी सी खुशबू आ रही है। अच्छी बात, आराम से डालो, आराम से। नहीं जी, बड़ी क्लियर है जी, मैंने बड़े तमीज से डाल रही। नीचे रख लेते हैं, आज का डाल लेते हैं। आलू डालने पे भी इतराज हो रहा है, इस तरह डाले उस तरह ना डाले। वैसे मैं पहली दफा लिया बना रही, इनकी नज़र में तो मैं बड़ी नालायक हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता है ना। सिखाऊंगा सारा कुछ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं भी नालायक हूँ। आप कोना भी रखते हैं हाथ में, हांडी जो है ना हिले नहीं। हाँ, वो आया ही नहीं है, मुझे लाभ है ना, निकलना आ गया है। हांडी में अंदर करो, सही। चलो जी, अब ये चमचा रख दे कि नहीं रखना अभी तो? नहीं, अभी नहीं रखना। क्यों? जब तक हांडी तैयार नहीं होगी उस तक नहीं रखना। अच्छा ठीक है, वो हमारे देखे जी रोस्ट हो चुकी है अच्छी तरह। हाँ जी, अभी इसमें बैंगन डालो। ठीक है, ओके बास वो पहले डालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसीलिए बोला था बड़े। पानी नीचे हो जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाएंगे। पानी नीचे हो जाएगा, बैंगन बैंगन नीचे हो जाएगा। पानी तो नीचे हो गया। उसके बाद अब इसमें ना सबज मरीच डाल देते हैं हम, ये देखें इस तरीके से ना सबज मरीच डाल देंगे हम। इधर जी मैं ये धनिया तैयार कर रही हूँ, ये आज धनिया लेकर आए। कितने का आया? क्या ये एक गठी जो है ना 20 रुपए की? 20 की, पहले 100 की थी, अब सस्ता हो गया। चलो शुक्रिया जी, 2 लाया हूँ 40 रुपए की ना। ठीक है जी, धनिया 20 रुपए का जी ये सारा। नहीं जी, अब इसमें धनिया डालते हैं और इसकी देखें लुक कितनी प्यारी है। आलू बैंगन बहुत कमाल के बने हैं आज, हस्बैंड ने मेरी तो बस ही करवा दिया जी, और मेरे कानों को आग लगवा आज। समझ आई है ना कितना हांडी बनती है? बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है, आइंदा कभी नहीं मुझे भूलेगी। बस हमारे जी आलू बैंगन देखे जी माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं, ये देखे जी शाही आलू बैंगन जी, और ये देखे जी इसकी लुक कितनी जबरदस्त आई है,
शाही इसने बोला ना घी मसाले इतने ज्यादा डाले हुए माशाल्लाह बड़े ज्यादा डाले तो। और साथ ही हमारे चावल भी जी बन चुके हैं वाइट। आपको तो पता है व्यूअर्स के आलू बैंगन के साथ वाइट चावल जो है वो गांव में जी ज्यादातर पकाए जाते हैं। हाँ जी, ये जी हमारे गांव वालों की खुराक है आलू बैंगन के साथ चावल। चावल जी। शाम की चलो ठीक है चलो। तो ये आप टेस्ट करें बाकी जी आप ही टेस्ट करोगे। तो लाइट गई हुई है आने वाली है बस। तो बस दिया पांच हो चुके हैं शाम के। ये पांच मिनट आ गए। हाँ ये हमारी जी ये शाम की यही हमारी रूटीन है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको जी आज की हमारी शाम की ये रूटीन आलू बैंगन वाली जी पसंद आएगी। अगर आपको आज की हमारी जी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि जी हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो प्लीज लाइक का बटन सबसे पहले प्रेस करना है और बेल आइकन को जी प्रेस कर देना है और प्लीज वीडियो को जी पूरा वॉच करना है। जबरदस्त बहुत अच्छे बने आज। अच्छा जी आज इनके तरीके से जी ये मुझे जैसे कि आपने देखा वीडियो मुझे वो सिखा रहे थे हड्डिया तो कह रहे हैं जी मजेदार बन गई। थैंक यू जी बहुत जबरदस्त। तो खुदा हाफिज। ओके जी अल्लाह हाफिज।